हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आरटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर फिटर इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आल्ट्रेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर WCS, दोस्तों सबकी वीडियो जो है पढ़ा दी गई है। टोटल मार्क्स ये समाप्त हो गया है। ठीक है, जितना भी MCQ था फिटर फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्लस फिटर थ्योरी की चैप्टर वाइज क्लास, निम्न का सिलेबस एकदम उसे पढ़ा दिया गया है। आप लोग पढ़िए। अभी मैं आप लोग को जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड आल्ट्रेट लेके आ रहा हूँ, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश में। क्यों? बच्चे कमेंट किए थे कि दोस्तों, तो भी आप लोग पता है कि बहुत बेस्ट चल रहे हैं, तो आने वाली है अभी शादी वगैरह लगन, फिर पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा जाएगी, तो पढ़िए दोस्तों। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो पास होना मुश्किल है। तो दोस्तों चलते हैं। तो आज हमारा क्या है, आज हमारा जो है इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर आल्टेड निम्निक्त क्वेश्चन बैंक पार्ट सिक्स, दोस्तों हिंदी प्लस इंग्लिश। दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 61, देयर इज ए लेक नियर द एरिया सम टाइम पीपुल डैश गार्बेज डैश इट। बोला कि जो क्षेत्र के पास एक झील है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, किस इसमें कचरा फेंकते हैं, तो मतलब थ्रो। तो आपका देयर इज ए लेक नियर द एरिया सम टाइम पीपुल थ्रो गार्बेज इनटू, मतलब क्षेत्र के पास एक झील है, कभी कभी लोग इसमें कचरा फेंकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कचरा इसमें और उसमें होगा फेंकते हैं। तो आंसर राइट क्या होगा आपका, सी थ्रो इनटू, मतलब इसमें फेंक दो, लोग कचरा फेंकते लोग हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द कंडीशन इन ए प्लेस दैट डैश द बिहेवियर एंड डैश ऑफ समबडी आर समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट, मतलब किसी स्थान की दशाएं डैश व्यवहार और किसी की चीज की प्रावण कहलाता है। मतलब जो दशाएं क्या होता है, बोला है किसी स्थान की दशाएं, जो किसी इंसान की दशाएं क्या है, प्रभाव अफेक्ट, उस जो है प्रभाव, किसी स्थान की दशाएं प्रभाव व्यवहार और विकास चीज का प्रयोग कराता है। मतलब वहां का जो है अफेक्ट और वहां का जो है क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, मतलब प्रभाव और विकास वहां का पर्यावरण कराता है किसी भी चीज का। मतलब कैसा आपकी जो है, मतलब क्या है, कैसा प्रभाव है और कैसा विकास है, तो उस जो है क्षेत्र उस स्थान का जो है प्रभाव विकास आपको जो उस एरिया का पर्यावरण कराता है। तो आंसर क्या होगा, बी द कंडीशन इन ए प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। हिंदी में होगा किसी स्थान की दशाएं प्रभाव व्यवहार और विकास किसी भी चीज का पर्यावरण कराता है। तो आंसर राइट बी। क्वेश्चन नंबर 63, ए डैश मेंटेनेड नेबरहुड इज ए इन्वायरमेंट टू लिव इन, मतलब बोला है कि ए क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, वेल ए वेल मेंटेनेड नेबरहुड इज ए गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन, मतलब कि क्या है, एक अच्छा बनाए रखने के लिए पड़ोस में क्या चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। क्या बोला है, मतलब कि एक अच्छा बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या, मतलब कि वेल अच्छा बनाने के लिए पड़ोस में क्या, गुड रहने के वातावरण, मतलब क्या होगा, ए मेंटेनेंड नेबरहुड इज ए गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन। आंसर क्या होगा, सी वेल गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द अपोजिट क्लीन यक्स डैश हेल्थी यक्स। अब बोल रहा है कि इसको आप लोग, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, क्लीन क्या होगा, डर्टी, हेल्थी क्या होगा,
अनहेल्थी होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, मतलब कि क्लीन का डर्टी और हेल्थी का अनहेल्थी, आंसर राइट डी। क्वेश्चन नंबर 65, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, वर्षा जल संचयन डैश जल रोकने की कमी। क्या बोल रहा है, जो वर्षा जल का संचयन करते हैं उस जल को रोकने की कमी क्या हो, क्या मदद कर वो, कैसी मदद करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दोस्तों आपको हेल्प, क्या है हेल्प, जो आपकी हेल्प मदद करता है, जो वर्षा जल संचयन है जल रोकने में आपकी कमी को, मतलब जो वर्षा जो जल को हम लोग संचय करते हैं वो आपकी जल की कमी की रोकने में मदद करता है, हेल्प करता है, क्या होगा हेल्प्स, आंसर आई डी। क्वेश्चन नंबर 66, डैश ऑफ ट्रीज डैश द इन्वायरमेंट, बोल रहा है कि डैश ऑफ ट्रीज डैश द इन्वायरमेंट, मतलब कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से पर्यावरण, मतलब कि प्लांटिंग ऑफ ट्री, मतलब पेड़ लगाएंगे तो क्या आपका होगा इन्वर्टर इन्वायरमेंट बचेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और सेव द इन्वायरमेंट, मतलब कि वृक्षारोपण करने से आप पर्यावरण बचाओगे। ठीक दोस्तों, बोलते हैं ना कि वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, तो ये बोल रहा है प्लांटिंग ऑफ ट्री और सेव ऑफ द इन्वायरमेंट, आंसर राइट बी, प्लांटिंग सेव। क्वेश्चन नंबर 67, वी कैन एक्सप्रेस यू व्यूज बाई डैश आर टू द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, मतलब आप समस्याओं को समाधान के लिए क्या है सहमत या द्वारा आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्या एग्री डिसएग्री, मतलब आप अपने समस्याओं समाधान के लिए क्या करेंगे आप, एग्रींगिंग, मतलब आप अपने समस्याओं समाधान के लिए एग्रींग या डिसएग्रींग द्वारा अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई एग्रींग और डिसएग्रींग टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, आंसर राइट डी। क्वेश्चन नंबर 68, देयर डैश इंस्ट्रक्शन टू वी डैश टू मेंटेन नेबरहुड वेल, मतलब कि वहां डैश होने के निर्देश पर पड़ोस को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए, मतलब क्या दिया है वहां पर, सो 68 क्या है, आर देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो, मतलब वहां क्या आर मतलब है, वहां होने के निर्देश है मतलब फॉलो करेंगे तो पड़ोस अच्छी तरह बनाए रखने के लिए, मतलब वहां जो है होने का निर्देश, वहां होने का निर्देश होता है मतलब कि आपका जो पड़ोस अच्छा हो अच्छी तरह रहे, तो देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू बी क्या है फॉलो द मेंटेन नेबरहुड वेल, आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 69, डैश एयर पोल्यूशन बाई यूजिंग बाइसाइकिल, द कैंपस डैश बिटवीन, मतलब साइकिल के प्रयोग से वायु प्रदूषण क्या कंट्रोल, क्या होता है कंट्रोल इनसाइड नियंत्रण अंदर, मतलब क्या है कि साइकिल पता आपको है चलती है आदमी के बल से, तो इसका प्रयोग करने से आपके परिसर में जो है कंट्रोल होगा, किसका प्रदूषण का, मतलब प्रदूषण होगा ही नहीं, कंट्रोल इनसाइड मतलब जो अंदर का वातावरण होगा अगर आप दिया है तो यहाँ होगा आपका कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसाइकिल इनसाइड द कैंपस। ठीक दोस्तों, तो साइकिल प्रयोग से वायु प्रदूषण जो है कंट्रोल होगा और क्या होगा उसका जो है अंदर आपके जो है पोल्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा सी कंट्रोल इनसाइड, मतलब साइकिल प्रयोग से वायु प्रदूषण जो है आपके कैंपस के अंदर नहीं आ सकता है, क्यों साइकिल चलती है आपके पैंडल से पांव चलती है न कि डीजल पेट्रोल या गैस से। ठीक दोस्तों, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70, आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है,
डैश द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, क्या बोला है? द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, मतलब कंप्यूटर को यूज होने के बाद, हर दिन उपयोग के बाद क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ, क्या? बंद करना चाहिए। मतलब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो उसको यूज के हर दिन, कंप्यूटर को हर दिन उपयोग के बाद उसको बंद कर दें, टर्न ऑफ कर दें, मतलब बंद कर दें, ये बोल रहा है। तो टर्न ऑफ द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, मतलब कंप्यूटर को हर दिन यूज के बाद बंद करें। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, रहा हमारा पार्ट 6 रहा आज इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर आल्टेट के लिए। और दोस्तों जो आपको क्वेश्चन आना है, मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ, पार्ट में हिंदी में हो, लेकिन भी बच्चे कमेंट किए सर इंग्लिश हिंदी दोनों में बना दिया हूँ। ठीक दोस्तों, तो इसका जो पीडीएफ हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम पर, आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज तक धन्यवाद, जय हिंद।